भाजपा की किसान विरोधी मानसिकता की कलई आज सरेआम खुल गई, जब देश के कृषि मंत्री ने जो मंडसौर में किसानों के खून से होली खेलने के लिए ज्यादा मशहूर हैं, बजाय किसान पक्षधर बात करने के, जब उन्होंने सरेआम मोदी सरकार की ओर से देश में किसान एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने से इनकार कर दिया। यही नहीं, C2+50% पर एमएसपी निर्धारित करने से भी इनकार कर दिया। C2 यानी किसान की इनपुट कॉस्ट, किसान की फैमिली लेबर, किसान की जमीन का किराया, उस पर 50% मुनाफा देने का जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, आज ये उससे भी मुकर गए। 1 करोड़ किसान मोदी सरकार के इस अहंकार को कभी माफ नहीं करेंगे। आज हिंदुस्तान के इतिहास में एक काला दिन है जो संसद में हुआ। आज हिंदुस्तान के इतिहास में देश का किसान और खेत मजदूर इस मोदी सरकार के द्वारा निर्मित इस काले दिन को याद भी रखेगा और उनके अहंकार को चकनाचूर भी करेगा। भाजपा की सरकार शायद भूल गई है कि जिस सत्ताधारी दल ने भी, देश के जिस हुक्मरान ने भी देश के किसान और खेत मजदूर से, देश के अन्नदाता से लोहा लिया है, वो नेस्तनाबूद हो गया है। मेरी बात याद रखिएगा, जब संसद में किसान और मजदूर को इन्होंने विश्वासघात किया है, आज सही सरकार की विदाई के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। भाजपा सरकार में, मोदी सरकार में एमएसपी अब मैक्सिमम सफरिंग फॉर फार्मर बन गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं रहा, क्योंकि एमएसपी के मायने ही नहीं बचे। ये एमएसपी की घोषणा तो करते हैं पर एमएसपी पर फसल नहीं खरीदते। ये मैं नहीं कह रहा, ये 2022-23 के आंकड़े अब कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद है और मैं केवल वो लेकर आया। 2022-23 में इनके आंकड़ों के मुताबिक गेहूं का उत्पादन हुआ 1,068 लाख टन। उन्हीं के मुताबिक जो उन्होंने आंकड़े अपलोड किए हैं, सरकार ने खरीदी 187,92,000 टन, यानी 100% उत्पादन के मुकाबले में 18% गेहूं एमएसपी पर आपने खरीदी। शर्म की बात है। तिलहन, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, मूंगफली, तिल, इनका उत्पादन आपके आंकड़ों के मुताबिक 22-23 के ही अभी अपलोड हुए, वो हुआ देश में 370 लाख टन। आपने कितना खरीदा? 48,000 टन एमएसपी पर, यानी 0.13% एमएसपी पर खरीदा। दालें, उत्पादन हुआ आपके मुताबिक 276,90,000 टन। आपने कितना खरीदा? 1,30,000 टन, यानी 0.43%, 99.5% खरीदा ही नहीं एमएसपी पर। ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का का उत्पादन हुआ 491,70,000 टन। इन्होंने खरीदा कितना? 1,28,000 टन, यानी 0.26%। धान हुआ 1,302 लाख टन, खरीदा 651 लाख टन, यानी 50%। ये चार्ट है, इसका मतलब ये है कि धान की फसल जो 50% खरीदी, अगर उसे छोड़ दूं तो गेहूं, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, मूंगफली, तिल, दाल, ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का, एक भी ऐसी फसल नहीं है जो इन्होंने लगभग 1% से 17% से ज्यादा एमएसपी पर खरीदी हो। तो उस एमएसपी के मायने ही क्या, जो इस देश के अन्नदाता किसान को मिलेगा ही नहीं। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, वो बेचारे हैं, बेचारों से क्या लेना, जो मांगेंगे तूफानों से मांगेंगे, सत्ता में मदहोश इन अहंकारी गलियारों से क्या लेना। अपने संकल्प की सिद्धि से जीतनी है ये जंग हमने, लकड़ी की तुम्हारी तलवारों से क्या लेना।